बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ट असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान के सदर अस्पताल में घुसकर मरीजों के परिजनों के साथ किया मारपीट, मची अफरा तफरी। शनिवार को सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीज के परिजनों को कुछ लोग ने अस्पताल में घुसकर जमकर मारपीट किया और फरार हो गए। घटना के संबंध में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीज आंदर थाना क्षेत्र के बंथू सोलेने निवासी रामरति पंडित और उनकी पुत्री आरती कुमारी ने बताया कि शुक्रवार को पानी भरने को लेकर मेरे पटीदारों द्वारा मेरे पिता के साथ मारपीट की गई। बीच बचाव के लिए मैं गई तो लोहे की रॉड से वार कर मेरा सिर फोड़ दिया गया और मेरे पिता के हाथ तोड़ दिए गए, जिसके बाद परिजनों ने दोनों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हम सभी का इलाज चल रहा है। शनिवार की दोपहर तकरीबन 1 बजे मेरी मां आरती देवी और मेरा भाई चिकित्सकों के लिखी दवाइयां लाने गए थे। तब तक पहले से घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने सिविल सर्जन कार्यालय के सामने ही मेरी माँ और मेरे भाई को पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों के द्वारा हल्ला हंगामा किया गया तो लोग दौड़े। तब तक मारपीट करने वाले लोग सदर अस्पताल से भाग निकले। मेरे परिजनों ने काफी उन लोगों का पीछा किया, लेकिन वह फरार हो गए। इधर लोगों में चर्चा बनी हुई है कि सदर अस्पताल में सुरक्षा कर्मी के बावजूद भी लोग मारपीट कर सदर अस्पताल से फरार हो जा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि बीते दिनों भी चिकित्सकों के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन अब इमरजेंसी वार्ड में भर्ती लोगों के साथ ऐसी अप्रिय घटना हो रही है। आरती ने यह भी बताया कि मारपीट के दौरान उन लोगों ने धमकी दिया है कि सदर अस्पताल से निकलते ही तुम लोगों को मारपीट कर मौत के घाट उतार देंगे। इसके बाद रामरति पंडित के परिजन दहशत के माहौल में जी रहे हैं। न्यूज़ इंडिया तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।